सरीपटका थाना अंतर्गत 43 वर्षीय प्रदीप मोतीरामा ने इनका अज्ञात आरोपियों ने अपहरण करके 30 लाख की मांग की थी। 3 सितंबर को सुबह श्रीमती ज्योति मोतीरामा ने इन्होंने इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी। जरीपटका पुलिस ने 24 घंटों के अंदर प्रदीप का पता लगाकर उनकी जान बचाई और आरोपियों को ढूंढने में सफलता प्राप्त की है। 3 सितंबर को जरीपटका पुलिस स्टेशन अंतर्गत सुबह श्रीमती ज्योति मोतीरामानी इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। उनके पति 43 वर्षीय प्रदीप मोतीरामानी इनका अज्ञात आरोपियों ने अपहरण किया और 30 लाख रुपयों की मांग की। यह शिकायत दर्ज किए जाने के बाद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इनके मार्गदर्शन में जरीपटका पुलिस स्टेशन के अधिकारी व कर्मचारियों ने एकत्रित काम करके 24 घंटे के अंदर प्रदीप मोतीरामानी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया और उनकी जान बचाई। और अपहरण करने वाले आरोपी 43 वर्षीय नोयल उर्फ सोनू उम्रे, 24 वर्षीय यादव उर्फ सूरज धनराज फलके, 39 वर्षीय रीना डोमानिक फ्रांसिस, 36 वर्षीय जय हेडेन रॉड्रिक्स इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आगे की जाँच की जा रही है। दिनांक 3/9/2022 रोजी सकाळी जरीपटका पोलीस स्टेशन येथे श्रीमती ज्योती मोतीरामानी यांनी तक्रार दिली की त्यांचे पती प्रदीप मोतीरामानी वय 43 वर्ष यांना अज्ञात आरोपींनी यांचे अपहरण करून 30 लाख रुपयाची खंडणी मागितलेली आहे। अशी तक्रार प्राप्त होताच माननीय पोलीस आयुक्त श्री अमितेश कुमार सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जरीपटका पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व अंमलदार यांनी एकत्रित काम करून यातील अपहरण झालेले व्यक्ती प्रदीप मोतीरामानी यांची 24 तासाच्या आत सुखरूप सुटका केली आहे। तसेच अपहरण करणारे आरोपी नोयल उर्फ सन्नू हंड्री मरे वय 43 वर्ष, यादव उर्फ सूरज धनराजजी फलके वय 24 वर्ष, रीना डॉमिनिक फ्रांसिस वय 39 वर्ष, जय हेडेन रॉड्रिक्स वय 36 वर्ष यांना जरीपटका पोलिसांनी अटक केली आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास आम्ही स्वतः करत असून गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। यातील आरोपी क्रमांक 4 जॉय हेडन रॉड्रिक्स याचं वय 36 वर्ष आहे। हा ड्रायव्हर म्हणून काम करतो आणि याने चारचाकी गाडी चालवण्यास यातील आरोपी नोयल यास मदत केली असून याचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाल्याने काल त्यास अटक करण्यात आली आहे।